सो गाइस आज मेरे साथ में है भैया रवि भैया और रवि चौबे जी और त्रिपाठी जी। तो आपका फुल नाम क्या है? शिवम त्रिपाठी। तो भैया देखो ऐसा है कि कई बार क्या होता है, हम लोग काम तो करते हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन जनरली होता है कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। जैसे अभी मैं देख पा रहा था कि आप मुझे दिखाएंगे अपना फ़ोन। जी सर। अगर मैं दिखाऊँ आपको मैं सर के फ़ोन में, तो एक बार भैया थोड़ा सा पास आएंगे आप, थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा अगर मैं यहाँ पर। तो शिवम भैया का देखेंगे आप यहाँ पर, अगर आप इनकी स्क्रीन पर देखेंगे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो शिवम भैया का क्या सारी चीज़ें बहुत अच्छा मिला हुआ है। देखिए ये चीज़ें कमी है, देखिए आप ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा, शिवम भैया को यहाँ पे इनस्टी मैट्स मिला हुआ है, स्टार भी मिला हुआ है, बोनस भी मिला हुआ है। और आप देखेंगे बोनस के अंदर इनको यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 पाँचवा बोनस मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए $1500 का मतलब इनको 5 बोनस मिले, लेकिन ये कमा नहीं पा रही। रीज़न क्या होता है? अच्छा शिवम भैया क्यों नहीं कमा पा रहे, कारण क्या है? सर बस जैसे कि ज़्यादा कंटेंट हम नहीं डाल पाते हैं, 1-2 फोटो पर डे डालते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं डालते हैं। अच्छा। बस इसीलिए अर्निंग बढ़ नहीं पाती है। जैसे आज मुझे सर के द्वारा ये पता चला, मुझे लगा कि ये महीने का टाइम वेस्ट हो रहा है, $2-3 आ रहे हैं तो ये बेकार है, कोई मतलब नहीं है। पर सर ने बताया कि जिस दिन ये आपके $100 हो जाएंगे exactly. वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, जो भी समय लगेगा, पर $100 पूरे होने चाहिए। तो और देखो भैया हम एक ही बात कहेंगे कि जैसे ना जिनको भी बोनस का ऑप्शन मिला हुआ है और जिनको नहीं भी मिला हुआ है, जिनको मिल गया है आप ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी फ़ोटोज़ को पब्लिक करें, जितना आप फोटो डालेंगे उतना आपका बोनस जनरेट होगा पहली बार। दूसरी बात, हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रील्स क्रिएट करें, छोटी छोटी रील्स आप 15 सेकेंड की, 20 सेकेंड की, 1 मिनट की, और फोटो से आपका सबसे अच्छा रीच बनता है, और रीच बनेगा सो उसी हिसाब की जो अर्निंग होगी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी शिवम भैया आपको तो क्लियर हो गया होगा। जी कि आपके पास में दो सबसे बड़े टूल पड़े हुए हैं, एक आपका पड़ा है इंस्टीमैट, जिसके लिए आप अगर लंबी वीडियो डालेंगे 3 मिनट का 4 मिनट का 5 मिनट का, वो आपका अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। दूसरा आपके पास देखो बोनस तो आपके हाथ में, कहने का मतलब ऐसा है कि थैला रखा हुआ उसमें $1500 पड़ा हुआ है, अब $1500 का मतलब 1,24,000-25,000 रुपये करीब करें। अब 1,24,000-25,000 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है, और अगर वो 1,24,000-25,000 रुपये आपको जनरेट करना है, सो उसके लिए कैन ट्राई कि शिवम भैया ज़्यादा से ज़्यादा फोटो डालें। जी है ना, एवरीडे, ज़्यादा मैं ये नहीं कहता, मैक्स टू मैक्स आप डालें, कोशिश करें कि एक पोस्ट जब डालें उस पोस्ट के अंदर कम से कम 2-3-4 फोटो डालें, परमेश्वर राम की, हनुमान जी की, जो भी आप धार्मिक फोटोज डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लाइक शेयर मिलता है। और आपको एक सजेशन और दें, अच्छा जो फोटो आप डालें ना उस पर, मान लीजिए 4 आपने फोटो खींच लिया मंदिर की, मूर्ति की, आप उसी 4 को ना रील बना लो, वो फोटो ऐसे जूम होके आए और फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, उसी को आप रील में डाल लो, क्योंकि रील से भी आपका रीच बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपके चांसेस रहेंगे कि एड्स ऑन रील्स मिल जाएगा। तो ये आपको ना कुछ बेनिफिट्स हैं जिनसे कि आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। बाकी मैं देख पा रहा था कि आपके टूल्स बहुत सारे, अच्छा और क्या प्रॉब्लम आती है आपको? सर प्रॉब्लम धीरे धीरे जो आप अपडेट देते थे उसको फॉलो किया मैंने धीरे धीरे, मतलब वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन वो होता है ना कि आप 80% में 100% नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से 80% तो सर के माध्यम से मैंने इनके अपडेट्स को देखा, सर के अपडेट्स को जाना, उसकी बारीकियों को समझा, धीरे धीरे टूल्स पे गया, देखा समझा, तो सर ने जो बताया वो सब कुछ वैसे ही हूबहू हो रहा था, बस कुछ स्रोत नहीं पता थे, कुछ तरीके नहीं पता थे, इस वजह से आज सर के गांव आया, सर के गांव मिला, बहुत खुशी थी। कई बार कॉल ट्राई किया सर का, कुछ गांव की वजह से समस्या होने के कारण से अंततः मुलाकात लिखा था सर को, मैंने पहले ही बताया था आज हमारी मुलाकात हो। अरे किस्मत है, देखो ये किस्मत है, अभी मैं रवि जी आए जौनपुर से, सुबह निकले हुए हैं, तो रवि जी को मैं रिसीव करने आया था, तो मैंने बोला कि भैया ये हमारा जो नया वाला घर बन रहा है, तो हमने कहा यहाँ पे नेटवर्क अच्छा चलता है, क्योंकि गांव में अंदर चले जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं चलता, हम यही देख लेते। तब तक शिवम भैया का फोन आ गया कि भैया हम जो है यहाँ दर्शन नगर पहुँचे हैं, हम मिल लेते हैं, हमने कहा ठीक है भैया आइए। सो ये किस्मत होती है सर कि जब मुलाकात निश्चित है सो वो पॉसिबल हो जाता है। जी जरूर सर। एक बात कहनी चाहेंगे, जैसे कहा गया है हर सपने को उड़ान कहाँ, जिंदगी इतनी आसान कहाँ, वैसे ही अगर आपको सोशल मीडिया पे उड़ान मारना है तो बस सर के अपडेट्स को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और आप उड़ान हूबहू बिल्कुल सर से भी ऊपर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर गुरु गुरु होता है, गुरु के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इस वजह से आज मैं अपने टेक गुरु जी से मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर
बहुत खुशी मिल रही है, वो भी सर के गांव पे आके मिला। लोग दूर दूर से आते हैं, भाई साहब जौनपुर से आया है, मैं यहीं पे रहता हूँ, सर से वीडियो कॉल पे अचानक से बात हुई, सर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, बात हुई, अचानक से हम पेंडिंग में पड़े थे, सर आएंगे, और अंततः सर आ गए और सर से हमारी मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। इस वजह से सर को थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, और जो बारीकियां बताते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, इधर उधर लिंकों पे क्लिक न करें। और जैसा कि सर के कमेंट में भी मिलता रहता है, कुछ लोग सर के नाम से बाबा करके चार गीत बोलते हैं, फेक अकाउंट लेके आते हैं, तो इन सब से दूर रहिए और बिल्कुल दूर रहिए, दुरुस्त रहिए, बाकी सर को फॉलो करते रहिए, कोई समस्या नहीं। सो गाइस, लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे ये जो 2024 आने वाला है, आपके पास सबसे बेस्ट टूल है बोनस इनस्टीमेट्स एड्स ऑन रील्स, और इनस्टीमेट्स के ऊपर अभी जो 5 जनवरी से जो अपडेट होने वाला 2024 से, काफी कमाल का है। बेस्ड ऑन योर व्यूज, जितना आपका व्यूज आएगा उतना आपका पैसा आएगा, तो बहुत कमाल का टूल है एड्स ऑन रील्स। और बाकी इनस्टीमेट, आप जितना हो सके अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट डालें और फोकस करें अपने ओरिजिनल कंटेंट पर, क्योंकि डुप्लीकेट में भैया एक ही बात बता दें कि लोग कमा रहे हैं लेकिन पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, फालतू में आपका वक्त जाया जाएगा। ना मैं डुप्लीकेट को बढ़ावा देता हूं और ना मैं कहूंगा कि आप डुप्लीकेट पे काम करें। इनिशियल लेवल पे पैसा अच्छा मिल जाता है लेकिन लंबे टाइम तक आप गेम नहीं खेल सकते। अच्छा कमाना है सो हो सके तो अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट डालें, चाहे आपका डांसिंग, फूड, ब्लॉगिंग, जैसे त्रिपाठी भैया अभी भगवान के मंदिर का, इन सब चीज़ों का डालते हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, बहुत अच्छा चलेगा आने वाले टाइम पर। सो एक लास्ट में मैं त्रिपाठी भैया को बोलूंगा कि जितना हो सके, सर ना देखो आपको नॉलेज है, आप धार्मिक में चल रहे हैं, तो हो सके आप दोहे के साथ भी अगर अपने कंटेंट को बनाए ना रील्स में, अमेजिंग सर, बहुत अच्छा चलता है, इसको बोलते हैं मोटिवेशन, जो आपने अभी शब्द बोले ना 2 लाइनें ऐसे करके, तो जितना हो सके अगर इस तरीके से भी कंटेंट को अपने इनहेंस करें तो उतना आपका अच्छा और वो चलेगा, है ना। और मेरा मानना है कि त्रिपाठी भैया आप जो अपने ना पोस्ट को आप बढ़ा दें, क्योंकि आपके हाथ में है $1500, अब उसमें से 15 देखो ऐसा है कि झोला तो पड़ा है उसमें, अब जितना आपका हाथ से निकाल लो उतना निकाल लो, ये नहीं कि देगा वो आपको निकालना है, अब वो कैसे निकालना, अपना पोस्ट डाल के निकालना है। जी सर, जी है ना। और इसी वजह से मैं सर के पास आया, मैं कुछ जो कि बारीकियां होती है वो समझ पाया, और कहीं ना कहीं से प्रयत्न रहूंगा बाकी सर को फॉलो किया ही। आने वाले 1-1.5 साल में सर हम यही, सबसे अच्छी बात तो ये लगती है सर हर किसी से जहाँ जैसे समय मिलता है अपडेट देते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूबर होते हैं संपर्क नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं, सर हर माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनको उचित लगता है वहाँ वो जवाब देते हैं और बातचीत कायम रखते हैं। ये सब आप लोगों का, सब लोग आप लोगों का प्यार है यार, बहुत अच्छा लगा सर से आज मिलकर, बहुत सुंदर लगा। ये जो लोग हैं भैया देखो, ये सब आप सब लोग देखिए सर, क्या होता है ना कि आदमी का, आप समझिए सर हमारा लेवल सर ना बहुत, अगर देखा जाए तो हमारा जो कंपनी वंपनी ऐसा, हम कभी नहीं सोचते कि हम इतना अमीर हैं, इतना हुआ सर, हम कुछ नहीं सोचते, कच्चू नहीं सोचते, हम कहते हैं ये सब तो हमारे कमाए गए, हमारे किए गए कर्म है, है ना सर। लेकिन जो ये हम आपस में जो रिश्ता जोड़ते हैं ना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है सर। पैसा तो हर कोई कमा लेगा लेकिन जो रिलेशनशिप होती है ना सर, ये कोई नहीं कमा। और ऐसे कि आने वाले टाइम पे अयोध्या के अंदर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं सर के घर पे ही मिला जा रहा है, सर का घर थोड़ा कर लो, ये थोड़ा सा दिखाएंगे भैया, ये देखिए ये सारा का जो है अभी नया बन रहा है मेरा पूरा का पूरा, और यही पे मुलाकात हो गई हम लोगों की सर के साथ, बहुत अच्छा लगा और काफी शांति है। और आने वाले समय में हो सकता है ईश्वर ने चाहा सर का बढ़िया अच्छा खासा यही पे ऑफिस होगा और सर यही से कार्यरत रहेंगे और सारे अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।